फैमिली, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं सो के उठ चुकी हूँ। मेरी मेहंदी देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। मम्मी आप नहीं देखे ना, देखो चौकोर बर्फी। रात को कितना 12 बजे बना है। और पापा भैया अभी लाने गए हैं फ्रूट, ये सब फ्रूट, ये सब तो आ चुका है ना, फ्रूट ये सब ला चुके हैं। अभी केला का हत्था लाने गए हैं, केला। और यहाँ पे मम्मी रेडी होके अभी पूजा कर रही हैं, अभी मंदिर पे जा रही है पूजा करने। हाँ क्या की है मामी? मामी ना ऊपर से गंदा झाड़ के नीचे गिरा दी है। मैंने मेहंदी हटाया था ना, तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, इसकी वजह से नीचे गंदा है। तो शिवांश कह रहा है कि मामी झाड़ के नीचे गिरा दी है गंदा ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल दो नानी को। डरा रहा है। अभी मम्मी व्रत का खजूर बनाने की तैयारी कर रही है ना, मम्मी आटा वाला ना। अब हाँ, व्रत का जो भी खजूर बनता है ना, ठेकुआ व्रत का, वो सारा आटा का बनता है। हाँ बेटा चलिए चलिए, शिवान को छत पे जाना है, जा रहे लेके। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ये पिंक कलर का सूट पहना है। और अभी मम्मी देवता घर में खजूर छान रही है, पूजा वाला ठेकुआ। और अभी जा रही हूँ मैं मम्मी की हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे मैं रेडी होके मम्मी की हेल्प करने चली गई थी ठेकुआ बनाने के लिए। और मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा बना लिया था और मुझे भी बहुत बनाने का मन था ठेकुआ छठ पर्व के लिए। और इसमें तो बहुत पुण्य के काम होती है, सौभाग्य का काम होता है कि आप छठ पर्व में ठेकुआ बनाओ। बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। और हमारे यहाँ चूल्हा पे ही बनता है, बहुत जगह पे चूल्हा पे बनता है, लेकिन बहुत जगह पे जहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाता है वहाँ पे लोग गैस पे भी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक चूल्हा पे ही बनता है। और मम्मी ये चूल्हा खुद से बनाती है, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है छोटा सा चूल्हा, मम्मी खुद बनाती है। हे फैमिली, तो इतना सारा ठेकुआ छना चुका है और अभी इतना बाकी है। और इसमें क्या क्या पड़ता है मम्मी? हम तो मिक्स किए नहीं क्योंकि हम नहाए नहीं थे उस टाइम, इस वजह से मैंने मिक्स नहीं किया है, मम्मी ने किया। घी, मीठा, इलायची, गरी गोला, आटा, आटा, चीनी, मीठा, ये सारा कुछ इसमें मिक्स होता है। और घी में तलाता है या सरसों तेल में तलाता है ना मम्मी? बस दो चीज़ में ही तलाता है। बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो गया है और अभी थोड़ा सा बाकी है। बहुत और बस थोड़ा सा बाकी है जो कि थोड़ी देर में हो जाएगा, उसके बाद सजेगा दौरा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे हाथी जी, कितना प्यारा लग रहा है ना। हर साल हाथी देख के दिल खुश हो जाता है ना, कितना सुंदर आता है। खासकर तब जब संध्या व्रत के बाद आते हैं, हाँ उस टाइम तो और ज्यादा अच्छा लगता है। ये क्या हो रहा है? क्या करे, क्या करे, बच्चे खाना भी नहीं खाने दे रहा है ना। बैग अभी खा रही हूँ खाना, बहुत जोरों की भूख लगी है, टाइम भी हो चुका है, 11 बजने वाले हैं। और बस मुझे भी थोड़ा सा हेल्प करना था मम्मी की वो ठेकुआ बनाने में, इस वजह से मैंने खाना अभी तक नहीं खाया था। और अभी जा रही हूँ खाने, खाने में है भुजिया, रोटी, पनीर की सब्जी। और बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाते हैं। उसके बाद कुछ शॉपिंग भी करना है तो उसके लिए भी जाएंगे। आटा वाला ठेकुआ छना गया है और अब छनाने वाला है मैदा वाला ठेकुआ। हाँ तो आप तो बोल रहे थे कि बाद में मैदा वाला ठेकुआ छानेंगे, अभी छान रहे हो? तू कह रही है कि हम सवेरे चल जाएंगे अपने ससुराल में, मम्मी मारो है वो से बनिया हम बनाइए देंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ज्ञान तोनी से चल लेवे और पोछ हम बैठ, नहीं जाएंगे। काला रो रहे हो? हां तू सब मत बात। मम्मी अभी ये रोना स्टार्ट कर दे रही है, देख रहे हैं। अभी ठेकुआ बन चुका है और अभी जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करनी है, इस वजह से भैया के साथ जा रहे हैं। और आ गया घूम के, शिवांश को मेरे पास आना नहीं है, वो नाना जी के पास घूमने गया। तो अभी मैं और भैया जा रहे हैं मार्केट।
सूती साड़ियाँ देखनी है, कलर भी सुंदर, ज्यादा हड़ी है। अभी आ चुके हैं मार्केट साड़ी देखने के लिए। हो गई हमारी शॉपिंग, चलते हैं घर, शिवांश भी वेट कर रहा होगा। तो हम आ चुके हैं मार्केट से शॉपिंग करके, और शिवांश के लिए स्पेशल गिफ्ट मिला है, कटोरी। कटोरी में रख रख के खाना खाना है। अब कटोरी खरीदने थोड़ी ना गए थे, हाँ शॉपिंग करने पे, शॉपिंग करने पे। अब कितना की शॉपिंग ली, हम सबको गिफ्ट मिल जाता है। क्या भाभी ने मूली मांगा था, नहीं दिया तुमने? कटोरी निकाल लिया है शिवांश ने, अभी से मिठी चाहिए, 1-2 कटोरी में मिठी चाहिए भाभी। तो खजूर पूरा बन चुका है, ये वाला है व्रत पे चढ़ने के लिए, और वो मैदा वाला है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं जो भी फ्रूट ये सब चढ़ने वाला था ना, वो सारा धुल चुका है, पापा सारा धुल चुके हैं। और थोड़ी देर बाद दौरा सरियाया जाएगा। मम्मी कितना देर बाद दौरा, कितना देर में सरिया दे? अच्छा, तब तक जा रहे हैं हम शिवांश को खाना खिलाने। तो अभी सजने जा रहा है दौरा, और पहले मम्मी जितने भी सूप है, पितरिया सूप, छीपा और बांस वाला सूप, ये सब है, उसमें जो भी फ्रूट है वो सब रख रही है। फ्रूट ये सब तो रखा गया है, अभी अक्षत रखा रहा है, और सिंदूर मम्मी अभी ही लगाते हैं ना, सिंदूर उन्दूर सब घाट पे लगाते हैं, तो सिंदूर ये सब घाट पे लगेगा। बाकी दो दौरा सजेगा, एक मेरे मायके का, एक ससुराल का। क्या मम्मी, अक्षत आई अड़क पाक बद्दी भी रखा लो ना मम्मी, अड़क पाक बद्दी, इलायची, लौंग, ये सारा कुछ रखाता है सूप में। तो अभी आया है गागल, दो छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं, दो गागल। अब मम्मी रख रही है सब में ठेकुआ, अभी तक नहीं हुआ मम्मी, बस सब कुछ रखा गया ना, बस ठेकुआ रखना बाकी है। ये रहा दौरा, एक दौरा यहाँ है, एक दौरा उधर है। वाले व्रत में ना पूरा केला का घौर से गुड़ लगाया जाता है ना मम्मी, केला का हत्था से नहीं, केला का पूरा घौर से गुड़, हत्था चढ़ता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बचपन से देखते हैं कि घौड़े से लगाता है ना। शिवांश के लिए चढ़ा दिया था खिचड़ी, अभी जा रही है उसको खाना खिलाने, उसके बाद घाट पे जाने के लिए रेडी होंगे, पहले से ही रेडी हो जाएंगे कि हड़बड़ हड़बड़ नहीं हो। और हमारे यहाँ यहाँ पे गंगा जी पे गोड़ लगा जाता है, तो हम लोग जाएंगे इनके आने के बाद। चलो हल्के एक बार में क्या हाथ ले जाओ भैया, चलिए। तो दोनों दौरा सज चुका है, और अब दौरा उठा के ले जा रहे हैं भैया। यहाँ पे हाथी का सामान सब मम्मी पहले ही सजा दी है। उठाओ माथा पर भैया, उठाओ माथा पे। वहाँ पे तो माथा पे उठाना ही होगा ना, घाट पे जाके। हाँ दौरा भी जा चुका है, और हम लोग जल्दी से रेडी हो जाते हैं, क्योंकि लेट ना हो जाए, जल्दी से रेडी हो जाते हैं, उसके बाद चलेंगे घाट पे। एंड ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है।